सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का तनिष्क गेमिंग के एक और न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे ही रहें। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारे फ्री फायर में आने वाले नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में, जिसका कंफर्मेशन यहाँ पे निकल करके आ चुका है। साथ ही गाइस, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे फ्री फायर में आने वाले न्यू रैंक सीजन रिवॉर्ड्स के बारे में। एंड साथ ही गाइस, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारे फ्री फायर में आने वाले नेक्स्ट पेड व्हील इवेंट के बारे में एंड और भी काफी सारे अपडेट्स के बारे में। सो आज का ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो आप लोग भैया वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और जिस भी भाई ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ऑल के ऊपर सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर आप लोग ऑल के ऊपर सेट नहीं करोगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और कल के दिन यहाँ पे मैं वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि भैया मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, आप लोग को मैंने बताया था, जिसके चलते गाइस यहाँ पे मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था। बट आज जैसे तैसे यहाँ पे मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, बड़ी वाली लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ गाइस, भूया ऐप पे एक और नया इवेंट आ चुका है जहाँ पे सिर्फ आप सभी को 15 मिनट क्लिप वॉच करनी है, जिसके बदले गाइस आप सभी को यहाँ पे अपना खतरनाक सा टाइगर पेट, साथ ही भाई लोग आप सभी को सेंटा बंडल एंड यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक का स्किन मिलेगा। तो जिसने अभी तक भूया ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी आकर के भूया ऐप को डाउनलोड करो, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि तुम्हारे भाई ने तुम लोग को बताया था कि गोल्डन रिवर बंडल जो है वो 9 तारीख को आने वाला है, एंड हुआ भी वैसे ही है। 9 तारीख को गाइस अपन को मोको स्टोर के अंदर ये वाला बंडल देखने के लिए मिल चुका है। तो यहाँ पे भैया आप सभी के काफी सारे डायमंड लगने वाले हैं, तो अगर आप सभी के पास डायमंड है तो आप लोग लगाओ, मेरे पास तो नहीं है तो मैं तो नहीं लगाने वाला हूँ। तो भाई लोग, अभी तक आपने इस इवेंट के अंदर कितने डायमंड लगा दिए हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ, और कौन कौन वेट कर रहा है गोल्डन रोर ग्रोजा स्किन का, जल्दी से मुझे कमेंट करके ये भी बता ही देना, क्योंकि भैया ये जो ग्रोजा की स्किन है काफी ज्यादा कमाल की रहने वाली है। और ये जो ग्रोजा की स्किन भैया पिछले अपडेट में यहाँ पे आने वाली थी इसी बंडल के साथ में, बट ऐसा नहीं हुआ है, इसका एक अलग फेडेड व्हील आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये वाली जो ग्रोजा की स्किन है जिसका कमाल का एनिमेशन है वो आप लोग को अलग से एक फेडेड व्हील के अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। अब बात करेंगे जनवरी मंथ के लकी व्हील इवेंट के बारे में। सो गाइस, यहां पे लीक्स निकल कर आ रही हैं कि इस बार आप सभी को लकी व्हील इवेंट देखने के लिए मिल सकता है, वो भी एलीट पास के साथ। ठीक है, तो कुछ लोग नहीं जानते हैं लकी व्हील के बारे में, जो लोग नए प्लेयर आए हैं, तो मैं आपको बता दूं लकी व्हील इवेंट एक ऐसा इवेंट है जहां पे आप लोग को भैया काफी सारे आइटम डिस्काउंट में मिल जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहां पे मुझे 90% ऑफ मिल चुका है। अगर मैं कोई भी आइटम यहां पे लेता हूं तो मुझे यहां पे 90% ऑफ में सारे के सारे आइटम मिलने वाले हैं। अगर 9 डायमंड में आ जाता ना भाई, तो 9 डायमंड में कोई भी चीज़ आप लोग यहां से ले सकते थे। सो यहां पे अपना जो लकी व्हील इवेंट है वो यहां पे मंथ के एंडिंग में ही आएगा, यानी कि 20 तारीख के बाद ही आप लोग को देखने को मिलेगा। और जैसे कि लीक्स निकल कर आ रही हैं उसके हिसाब से गाइस आप लोग को जो एलीट पास है वो भी लकी व्हील इवेंट के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस, आप लोग में से कौन कौन वेट कर रहा है हमारे फ्री फायर के लकी व्हील इवेंट का, जल्दी से कमेंट करके बता देना। अब हम लोग बात करते हैं हमारे फ्री फायर में आने वाले एक न्यू टोकन टावर इवेंट के बारे में, जिसके अंदर गाइस आप सभी को हमारा पिंक विंक बंडल देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो बंडल आप सभी देख पा रहे होंगे ये भैया सुपर स्पीकर की थीम पे बेस्ड है, और जैसे कि गाइस मैंने आप सभी को बताया था जो अपकमिंग कॉलैब आएंगे वो सुपर स्पीकर के साथ भी किए जाएंगे। तो यहाँ पे सुपर स्पीकर का जो कॉलैब है वो काफी सारे सर्वर के ऊपर अभी चल रहा है, बट हमारे इंडियन सर्वर में कब तक आएगा इसका कोई गारंटी अभी तक निकल करके नहीं आया है। बट यहाँ पे जो बंडल्स है वो गाइस कभी भी आप सभी को गरीना अवेलेबल करा सकता है हमारे किसी भी इवेंट के अंदर। तो भाई लोग, आपको बंडल अच्छा लगा या फिर अच्छा नहीं लगा प्लीज कमेंट करके बता देना, और जिस भी भाई ने यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार प्लीज वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है यार। अब बात करते हैं गाइस अल्फा मेगलोडॉन स्कार के बारे में। सो गाइस, अपनी जो अल्फा मेगलोडॉन स्कार है वो बहुत जल्दी यहां पर रिटर्न बैक आने वाली है, और यहां पे आप सभी को एक नहीं बल्कि दो दो इवो स्किन यहां पे वापस देखने को मिलेंगी। सबसे पहली है गाइस आप सभी की मेगलोडॉन स्कार, जो कि भैया बहुत ही कमाल की स्किन है, और ये एक इवो स्किन है जिसको नहीं पता है। सो इसके अंदर गाइस आप लोग को स्पेशल इमोट भी मिलता है, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाले जिसके ना गाइस जनवरी मंथ के एंडिंग तक पेड व्हील इवेंट में रिटर्न आने वाली है, जैसे कि यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। सो गाइस, आप सभी में से कौन कौन वेट कर रहा था अल्फा मेगलोडॉन स्कार के रिटर्न आने का, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना। और किसने अभी तक कितनी इवो गन को अपग्रेड कर लिया है लेवल 7 तक,
ये मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना, क्योंकि काफी सारे प्रो प्लेयर हैं भाई जो कि इतनी सारी वो गन को अपग्रेड करके बैठे हैं जितना कि अपन ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फ्री फायर में आने वाले एक और न्यू फिटेड व्हील इवेंट के बारे में, जो कि आने वाला है भैया 13 से 14 जनवरी के बीच में। सो गाइस, इस वाले बंडल का नाम आपको बता दूं, आइस क्लियर बंडल होने वाला है। और ये जो बंडल है भैया लिटरली देखने में काफी ज्यादा कमाल का लुक देता है, और पर्सनली इसको मैं लेने का ट्राई करूंगा। बट जैसा कि तुम लोग को पता है मेरे पास सिर्फ अभी 10 डायमंड बचा हुआ है, 10 डायमंड में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं हमारे फ्री फायर की न्यू शॉट गन के बारे में। सो गाइस, ये है अपनी न्यू शॉट गन, जो कि भी आपको मैंने पहले ही बताया था, इसका नाम था चार्ज बस्टर। और ये भैया जहर कमाल की एंड धमाकेदार शॉट गन होने वाली है, जैसा कि आप सभी देख सकते हो। यहाँ पे आप सभी को इसके अंदर टोटल 3 बुलेट देखने को मिलेंगी, 3 गोली के अंदर आप सभी को जो एनिमी है वो यहाँ पे डाउन होने ही वाला है, जैसे कि देख सकते हो। यहाँ पे भैया अभी मैंने 2 ही गोली मारी और बंदा जो है डाउन हो चुका है। सो भैया कमाल की ये वाली शॉटगन रहने वाली है। स्टार्टिंग में जो भी कोई शॉटगन आती है वो चलती तो जहर है, बट जैसे ही भैया उसका खौफ आ जाता है गरीना उसका रेट ऑफ फायर वगैरह कम कर देता है। जैसे कि आपको पता है जब M887 आई थी ना, 2 गोलियां भाई 4 की वेस्ट हो या 3 की वेस्ट हो बंदा तो डाउन होना ही है और मर ही जाना है, ऐसा होता था। ठीक है, बट अभी के टाइम में अगर तुम लोग शॉटगन यूज करते हो वो भी डबल बैरल, तो आप लोग को पता होगा भैया कितनी ज्यादा गोलियां मारनी पड़ती है। बट अभी ये जो नई गन आएगी भैया जहर चलने वाली है, तो इसको आप लोग जरूर लेकर खेलना। और जो भी भैया हेडशॉट वगैरह ट्राई करना चाहते हो, मतलब 1 शॉट तो इससे नहीं लगेगा लेकिन 2 शॉट जरूर लगने वाला है। अब बात करते हैं हमारे फ्री फायर के CS का बैनर के बारे में। तो यहाँ पे अपने CS का 4 आने वाला है, उसके बैनर वगैरह निकल करके आ चुके हैं, जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे भी ये कुछ ऐसे बैनर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही भाई लोग आपको अवतार भी यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा हमारे CS कप के दौरान। सो यहाँ पे देख सकते हो भैया क्या ही एनिमेशन वाले बैनर हैं, अवतार हैं यार। सो आप लोग को कैसे लग रहे हैं जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। अब बात करेंगे OB32 के बाद आने वाले एक और बड़े चेंज के बारे में। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है अपना जो आईडी कार्ड रहता है ना, जैसे कि आप सभी का इन गेम आईडी कार्ड रहता है जहां पे आपकी KD वगैरह दी जाती है, सो यहां पे कैरेक्टर कार्ड भी आपको देखने मिलेगा, जहां पे आप लोग अपना कैरेक्टर को चेक कर सकते हो कि आप सभी के कैरेक्टर का KD कितना है, इस कैरेक्टर को लेने के बाद आप सभी के कैरेक्टर ने कितने किल किए हैं, सब कुछ गाइस आप लोग यहां पे कैरेक्टर कार्ड के अंदर से देख सकते हो। सो गाइस आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे फ्री फायर में आने वाले नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में। सो गाइस, यहां पे कुछ बंडल निकल कर आए हैं जो कि आप सभी को हमारे अगले गोल्ड रॉयल में देखने को मिलेंगे। तो टोटल यहां पे 7 बंडल हैं जो कि आप सभी यहां पे मैं दिखा रहा हूं, इनमें से कोई एक बंडल गाइस आप सभी को हमारे अगले गोल्ड रॉयल में देखने को मिलेगा। इनमें से एक आएगा भैया डायमंड रॉयल के अंदर एंड एक आएगा रैंक टोकन एक्सचेंज के अंदर। सो आप लोग को भैया गोल्ड रॉयल का बंडल कौन सा वाला अच्छा लगा कमेंट करके बताना। और यहां पे आप लोग ये वाला सरपेंट बंडल देख सकते हो, ये बंडल भी भैया काफी ज्यादा ओपी है। ये बंडल भी गाइस आप लोग को हमारे अगले गोल्ड रॉयल में देखने को मिल सकता है। गोल्ड रॉयल कब आएगा आप लोग सोच रहे होगे, तो गोल्ड रॉयल आने वाला है भैया आज से लगभग 10 या 12 दिन बाद, क्योंकि अपना जो ओबी का अपडेट आता है उसका कभी भी डेट कंफर्म नहीं रहता है, जब आएगा उसी दिन आपको गोल्ड रॉयल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग हमारे BR रैंक सीजन के रिवॉर्ड देख सकते हो, अवतार बैनर कुछ ऐसे हैं, हेरोइक जाने पे आपको ये वाली जर्सी मिलेगी, गोल्ड पे गाइस आप लोग को यहाँ पे स्पार्क बार का स्किन मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं CS रैंक सीजन 11 के रिवॉर्ड। तो यहाँ पे भैया ये देख सकते हो आप सी को गोल्ड जाने पे यहाँ पे मिलने वाला है SKS का स्किन, और हेरोइक पे भैया आपको एक जर्सी मिलेगा जो कि एकदम टट्टी है, और साथ ही आप लोग का अवतार बैनर तो देख ही गए होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है आप सभी को पसंद जरूर आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे गाइस आप सभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद गाइस।